कमलेश हत्याकांड का खीरी कनेक्शन निकलने के बाद नेपाल सीमा चर्चा में है, साथ ही पुलिस और दूसरी एजेंसी अलर्ट मोड पर है। लखीमपुर खीरी पहुंचे एडीजी ने अपने दो दिनी दौरे के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत की। दो दिन तक जिले के पुलिस नोडल अफसर और एडीजी एसके माथुर ने जिले के क्राइम ब्रांच, आम जनों और पुलिस अफसरों संग बैठक की, जिसमें सभी ने नेपाल सीमा पर बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा की थी। एडीजी के मुताबिक नेपाल आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी और नेपाल सीमा पर कैमरे लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर पे जो अभी कुछ चीज़ें आई हैं उसके संबंध में बहुत गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। क्या हम लोग इसमें कैसे वहाँ पर जो चेकिंग की व्यवस्था है, अभी द्विस्तरीय चेकिंग व्यवस्था है, पुलिस है और एसएसबी भी लगी हुई है, विभिन्न एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन कैसे उसको बढ़ाया जाए, इस पर अभी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। कैसे जो व्यवस्था हमारी चेकिंग की है उसको और मजबूत किया जाए, जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ लग रही है उसको महसूस किया जाएगा। वहाँ के जो होटल्स हैं और जो वहाँ ढाबे हैं या सराय हैं उनको देखा जाएगा कि वहाँ अवांछनीय या संदिग्ध लोग अगर आए हैं उसके विषय में वीकली कोई रिपोर्ट ली जाए उनसे, होटल वालों से, उनकी जो लोग रुकते हैं उनकी आईडी और चेकिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। कुछ कैमरा लगाने के लिए विषय में भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ कैमराज रहें, हाई रेजोल्यूशन कैमराज जो वहाँ जो लोग गुजर रहे हैं, संदिग्ध लोग आ रहे हैं, उनको निगरानी उन पर रखी जा सके, और कुछ लोग जो संदिग्ध हैं उनको लेके हम लोग उनको देखेंगे कि उन पर कैसे हम लोग निगरानी रख सकते हैं। नोडल अधिकारी बनने के बाद डीआईजी बांदा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की, साथ बांग्लादेशियों को लेकर पत्रकारों के सवाल पर बताया कि डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस सतर्क रहे और ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए है। जेल निरीक्षण के दौरान वहां पर बंद एक बांग्लादेशी कैद से भी बात की। डीआईजी बांदा ने बताया कि पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और अगर कोई बांग्लादेशी पासपोर्ट एक्ट के तहत पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी इस देश के रहने वाले नागरिक नहीं और अवैध तरीके से रह रहे हैं उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के क्रम में इस हमारे जो चारों जनपद हैं उसमें भी अभियान चलाया जा रहा है, बांदा में भी चलाया जा रहा है। डीजी महोदय का यह निर्देश है और उसमें कार्रवाई चल रही है और उसमें फर्द विधिता की जा रही है। एक बांग्लादेशी हमारे जेल में बंद है बांदा में, आज हम गए थे वहाँ, उनसे भी हमारी पूछताछ हुई वो यहाँ पर कैसे आए, और ऐसे लोग नज़र रख रहे हैं और जो भी आदमी पकड़ा जाएगा जिसको कि भारत की नागरिकता नहीं होगी उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के नोडल अधिकारी ने दो दिवसीय दौरा किया, जिसके बाद नोडल अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दो दिनों की समीक्षा कार्यों से अवगत कराया और जिले में होने वाली समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गांव और शहर के लोगों के साथ बैठक की गई है, जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में सभी चीजें सामान्य मिली। अपराध पर रोकथाम के लिए जिला पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की नोडल अधिकारी ने सराहना की। देखिए, जनपद के भ्रमण के दौरान एक शासन से हम लोग को निर्देश किए गए थे कि क्या क्या देखा जाना है और उसके क्रम में पुलिस लाइन, एक थाना, गाँव की विजिट की गई, शहरी लोगों की एक जगह मीटिंग की गई, जेल की भ्रमण किया गया, विजिट की गई, यातायात व्यवस्था को देखा गया और जो ऐसे विभाग हैं जिनका पुलिस के साथ सामंजस्य होना चाहिए उनकी अलग से बैठक की गई, अभियोजन की बैठक की गई और पुलिस अधिकारियों के साथ अलग से क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। जो ओवरऑल पिक्चर के रूप में देखा गया उसमें ये पाया गया है कि जो जनपद में पुलिस के कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति और क्राइम की स्थिति दोनों गत वर्षों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। मथुरा में एडीजी अजय आनंद थाना गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया। उसके बाद एक एक कर कंप्यूटर रूम, मालखाने, असला खाने, भोजनालय का निरीक्षण किया। उसके बाद सलामी गार्थ का निरीक्षण किया, जिसमें कर्मचारियों को 2500 का पुरस्कार और महिला कांस्टेबल प्रीति और नीतू को 500 का पुरस्कार स्वच्छ वर्दी के लिए दिया गया। पीआरडी इंदल सिंह को भी अच्छी वर्दी के लिए 500 का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद एडीजी गिरिराज महाराज के दर्शनों के लिए दानघाटी मंदिर पहुंचे, जहां गिरिराज महाराज को दूध प्रसाद का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मथुरा बहुत बार आया हूं, मेरे जोन का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जनपद है और मुड़िया मेले के दौरान मैं आता रहता हूं, आके समीक्षा करते रहता हूं और इसके पहले भी गोवर्धन में आके जा चुका हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, हर महीने कोई ना कोई यहाँ पे धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों की भीड़ होती है। अभी दो दिन पहले आपके यहाँ एक धार्मिक आयोजन था, रात भर आपके कप्तान साहब यहाँ पर थे, लेकिन नोडल अफसर के रूप में
कुछ और अन्य जिम्मेवारियाँ दी गई हैं जिसको मैं यहाँ पे आके उसको मैं देख रहा हूँ, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि थाने का परिसर मैंने देखा, परिसर की साफ सफाई ठीक है, स्वच्छता ठीक है, लेकिन जो पुरानी कंडम गाड़ियाँ हैं वो थाने, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि थाने की भीतर की ज़मीन का ही इंक्रोचमेंट हो गया उन गाड़ियों के चलते, तो उसके बारे में कप्तान साहब से अनुरोध किया है कि उसकी सब लिस्ट बना लें और जिसमें पूरी कार्रवाई हमारी जुडिशरी के साथ हो चुकी है उसकी लिस्ट बना के परमिशन लेके या तो उनको सौंप दें या उसका ऑप्शन कर दें। जालौन के पुलिस नोडल अधिकारी और झांसी रेंज के DIG सुभाष बघेल दो दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने कानूनी व्यवस्था की पड़ताल करते हुए पुलिस कर्मियों संग बैठक की। साथ ही उन्होंने जिला कारागार समेत थानों का भी निरीक्षण किया। वहीं जालौन के पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार द्वारा ऑपरेशन क्लीन एंड हैंडओवर के नाम से की गई, जिसके तहत उन्होंने 5,000 से अधिक वाहनों और न्यायालय से निस्तारित अन्य वस्तुओं को उनके मालिकों को सौंपा। शासन और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के निर्देश के क्रम में मुझे जनपद जालौन का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और कल जो है मैं उसी निर्देश के क्रम में कल मैं आ गया था। मेरे द्वारा सबसे पहले तो कोंच थाने का निरीक्षण विधिवत रूप से वहां का निरीक्षण किया गया और कोंच में ही जो है वहां पर फुट पेट्रोलिंग की गई वहां के सारे कर्मचारियों को लेकर के, जो वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है मार्च, पैदल मार्च जो है वो काफी ग्रुप में कर रहे हैं और उसके बड़े सार्थक परिणाम आ रहे हैं। उसके पश्चात मेरे द्वारा जो है पूरे जनपद के राजपत्रित अधिकारियों और हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं SP साहब के साथ हम दोनों लोगों ने कल हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से बैठक की है, जिसमें हमने अपराध स्थिति, कानून व्यवस्था और हमारे पुलिस के जितने भी आनुषांगिक जितने भी हमारे संगठन वो हैं, शाखाएं हैं, तो सभी के संबंध में हमारी बात हुई। हमारी LIU के लोगों से बात हुई, पुलिस रेडियो के लोगों से बात हुई और इसके अलावा फायर सर्विस, आगे आगामी त्यौहार के संबंध में और आगे जो हमारा जो शांति व्यवस्था संबंधी जो समस्याएं आने वाली हैं उनके संबंध में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करके हमने एक कार्य योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हर जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उसी क्रम में दो दिवसीय दौरे पर आए नोडल अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कई थानों का निरीक्षण किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर किया। अशोक कुमार सिंह बांसी कोतवाली पहुंचे, वहां पहुंचकर नोडल अधिकारी ने बैरावास आरक्षी हॉस्टल, पुलिस कर्मियों के आवास, इंस्पेक्टर आवास, भोजनालय, शस्त्रागार, अभिलेखागार, विभिन्न क्राइम रजिस्टरों और आगंतुक रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया, जिनको देखने के बाद नोडल अधिकारी ने संतोष जाहिर किया और कहा कि विवेचना का कार्य पूरी तरह संतोषजनक है। अपराध बहुत ज्यादा नहीं की भी कोई समस्याएं ऐसे परिलक्षित नहीं है पिछले दिनों, जो भी त्यौहार हुए हैं वो अच्छी तरह से मनाए गए। बहुत ज़्यादा अपराध नहीं है, तो इसलिए स्थानीय पर भी मैं देख रहा था कि विवेचनाओं की स्थिति जो है अच्छी है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा की कोई विवेचना लंबित नहीं कर। इस तरह से जो कार्रवाई पुलिस की अपेक्षित है कि FIR लिखना, विवेचना करना, मुजरिमों की गिरफ्तारी, चार्जशीट या उनका जो भी हैंडल करना है वो सब टाइमली हो रहा है। इसके साथ जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से हो रहा है, जैसे CCTS की जो व्यवस्था है वो भी प्रभावी तरीके से चल रहा है। ई चालान मैं देख रहा था, ई चालान भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं थाने स्तर के ई चालान भी करें, तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी बखूबी किया जा रहा है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साफ सफाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी टूटे फूटे हैं और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है, छोटे छोटे कमरे हैं वो और बेहतर होने की। उधर फरुखाबाद जिले के नोडल अधिकारी और जोन के DDG ने महिलाओं के मामले में धीमी जांच करने वाले अधिकारियों पर अपनी नजर लगा दी। वहीं ADG ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान ADG ने बताया कि मोहम्मदाबाद के मदनपुर चौकी क्षेत्र में जिले की सीमा पर CCTV कैमरे लगेंगे। इस दौरान ADG ने बताया कि मोहम्मदाबाद के मदनपुर चौकी क्षेत्र में जिले की सीमा पर CCTV कैमरे लगेंगे। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को बाड़े कैमरे दिए जाएंगे। कुछ लोग इसमें आने जाने की प्रक्रिया में हैं, जो अंडर ट्रांसफर हैं, या कुछ आने वाले लोग हैं और कुछ यहाँ से जाने वाले हैं, तो जो आने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जो अभी आए नहीं हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को यहाँ से रिलीव नहीं किया गया, अन्यथा यहाँ पर उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन ये बता दिया गया कि जिनके खिलाफ़ भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, चाहे वो अंडर ट्रांसफर है या कार्यरत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
जहां उन्होंने जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने जनप्रतिनिधियों के साथ भी पुलिस सभागार में बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था और अपराध के विषय पर गहराई से समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जनपद में घटित होने वाली छोटी से छोटी घटना पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद के लिए एक नोडल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की है और इसके पीछे की मंशा यही है कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है और उसमें क्या कमियां हैं, इसको धरातल पर जाके, ग्राउंड लेवल पर जाके सीनियर अधिकारी देखें और विभिन्न विभागों से संपर्क करके जनप्रतिनिधियों से मिलके जेल की निरीक्षण करके देहात और शहरी क्षेत्रों में खुद जाके जो आम जनता है उससे मिलके फीडबैक लें और जहाँ हमारी कमी है ये महसूस किया गया कि इतना अनुदान, इतना खर्च सरकार कर रही है लेकिन जो हमारे लोएस्ट लेवल के कर्मी हैं वो उसके लिए उतने तरीके से सजग और चैतन्य नहीं है, तो उनको उनके साथ मीटिंग करके उनको अपने कर्तव्य बोध कराया जाए। हमीरपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी आईजी दीपक रतन पहुंचे, जहां नोडल अधिकारी ने मीरापुर गांव में चौपाल लगाकर पुलिस कार्यप्रणाली की जानकारी ली। आईजी ने मीरापुर गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से अलग अलग पुलिस के कामों की जानकारी ली। इससे पहले आईजी ने सदर कोतवाली और जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। एक मोहल्ले में भी आए थे जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए पुलिस के बारे में, तो यहाँ पे पुलिस की कार्यप्रणाली से पब्लिक काफ़ी संतुष्ट है। जो मैंने अभी बात की इनसे, कोई ऐसी शिकायत विशेष पब्लिक के द्वारा नहीं बताई गई और सबके द्वारा ये बताया गया कि डायल 100 की व्यवस्था हो चाहे थाने की व्यवस्था हो, सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं और छुटपुट समस्याएं जैसी हर जगह होती हैं वो यहाँ भी हैं, उसके निराकरण के लिए पुलिस भी मदद करती है, लोग आपस में मिल बैठ करके भी सुलझाते हैं। तो यहाँ पर जो अब तक का फीडबैक है उसके हिसाब से पुलिसिंग की व्यवस्था ठीक है, कोई ऐसी विशेष समस्या यहाँ पर नहीं है। वहीं आईजी सतीश गणेश ने बढ़ते अपराधों को नियंत्रण पाने के लिए मैनपुरी में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी सतीश गणेश जनपद में 2 दिन तक रुके। उन्होंने थाना घिरो और करहल के अलावा पुलिस लाइन में बने सभागार शस्त्र ग्रहण का भी निरीक्षण किया। वहीं आईजी पीड़ित जनता से भी रूबरू हुए, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इलाके में ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस का बिहेवियर है, आचरण है, उसमें सुधार के लिए हमने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया कि कोई कार्यशाला आयोजित कराई जाए, जो विवेचना के लिए साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट हैं उसमें हमने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया है कि साहब की एक्सपर्ट्स को बुला के एक ट्रेनिंग की कार्यशाला कराई जाए। साइबर क्राइम पे हमने कार्यशाला कराने के लिए कहा है और हर महीने हमें इस जनपद में आना है, तो कुछ हमने टारगेट सेट किए हैं अगले महीने के लिए, ताकि अब से लेके अगले महीने के बीच में जो त्यौहार हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं या जो और भी चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों के लिए मैनपुरी पुलिस जो है तैयार भी रहे और उसका अच्छे से जो है त्योहारों को संपादित कराए। इसके अलावा आईजी सतीश गणेश ने एसपी अजय शंकर राय को निर्देशित किया कि पुलिस का जो आचरण है उसमें और सुधार लाने का काम करें और जो विवेचना कर रहे हैं उनको बुलाकर उनकी पाठशाला कराई जाए। वहीं साइबर कैफे द्वारा हो रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक पाठशाला चलाई जाए जिससे साइबर क्राइम रुक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।